गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान, अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। स्वम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। बेल्टवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। कभी कभी घर पर भी छोटी सी असावधानी से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। हम बात कर रहे हैं जब घरों पर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता और खुले में हसिया चाकू जैसे धारदार हथियार रखे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला दमोह जिले के नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र से आया, जहां पर घर पर लाइट गुल होने के समय एक युवक जब घर पर ही कुछ कर रहा था, वहीं उपट्टा लगने के बाद वह नीचे गिरा तो उसके गले में घर पर रखा हसिया लग गया। इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जब पहने नुकीले गिलास या थाली आदि रखे रहते हैं और बच्चे आए या बड़े गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जिनसे ये सीख लेना है कि घर पर रखे कोई भी नुकीली चीज़ को एक निश्चित स्थान पर रखें, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। फिलहाल एक युवक को नरसिंह चौकी क्षेत्र से जिला अस्पताल लाया गया, जहां बताया जा रहा है कि घर पर लाइट गोल थी, उसी समय युवक उपट्टा लगने के बाद गिर गया, जिसमें घर पर ही रखा धारदार हसिया उसके गले पर लग गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आप लोग, मैं नरसिंह का रहने वाला हूँ, मेरा छोटा भाई है और घर में लाइट भी नहीं थी, तो उसकी वजह से वो मतलब निकल रहा होगा तो देरी में पट्टा लग गया, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा मतलब चोट आई हुई है। मतलब वहीं रखा हुआ था, कुछ हम लोग तो दुकान करते हैं, हम लोग तो घर पर नहीं थे, तो हम लोग को तो नहीं है मालूम लगा के आया। घर पे कौन था उस टाइम? उस टाइम मेरी पत्नी थी और बच्चे थे घर में, वो लोग तो यहाँ पर है नहीं साथ में, उन लोग से मुझे बात भी नहीं हुई। मतलब क्या नाम है उसका? आजाद अहरवाल। आपका क्या नाम? अनिल अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? नरसिंह। नाम आजाद है सर। क्या हुआ है? हम लोग कोई मालूम नहीं। कब मालूम चला? वो बाद में जब लोग भाग गए, हम रोड पर बैठते हैं, सब्जी दुकान करते हैं, लोग भाग गए तो कहे कि तुम आजाद को फिर पड़ा है, नीचे पड़ा है, इसलिए हम ऊपर चले। कहाँ चोटें आई हैं? चोट आई अभी गले में आई है। क्या लगा है? हमें मालूम नहीं चल।